नमस्कार दोस्तों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक मुद्दे की बात करनी है। इधर बीच मैं देख रहा हूँ 2-4-5 दिन से ऐसा कुछ हो रहा है, खुरापात हो रहा है, इसे क्या कहें क्या ना कहें। जिस तरह से मतलब प्रदेश की ज़्यादातर जो जनसंख्या है युवाओं की है, और बहुत सारे युवा जो लगातार तैयारी कर रहे हैं प्रयागराज में, पटना में, बनारस में, दिल्ली में, मुखर्जी नगर दिल्ली में, और बहुत जैसे जो भी 4-5-7 जगह जो बहुत बड़ा हब है स्टूडेंट्स का, वहाँ लोग लग कर तैयारी कर रहे हैं। 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12-12, 15-15 साल तक तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटी सी भर्ती के लिए, एक छोटा सा भर्ती के लेखपाल की भर्ती कब से आ रही है, कब से आ रही है? 2 से 2.5-3 साल तो एकदम समझिए, एकदम 2.5-3 साल से आ रही है लेखपाल की भर्ती। कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी कुछ। अब पेट का एग्जाम वाला है मैटर। तो इस तरह से देखिए, चाहे आपका लेखपाल की भर्ती हो, चाहे UPSI की भर्ती हो, बहुत सारी भर्तियां हैं जो लगभग 2-2.5 साल से लाया जा रहा है लगातार, मतलब बच्चों को ललचाया जा रहा है। और बच्चे इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं होने वाला। और यही जो बच्चे, यही जो स्टूडेंट्स हैं 22-23 साल में मुखर्जी नगर, पटना में, दिल्ली में, बनारस में पहुंचते हैं, और वही 29-30-32 साल के हो जाते हैं। जब 30-32 साल के हो जाते हैं तब उन पर पाबंदी अब लगाई जा रही है कि 30 साल से जो ऊपर के लोग हैं अब वह लोग आवेदन ना करें। वह हरे हिंदुस्तान, पहले तो आप भर्ती ही नहीं दे रहे हैं, 4-4-5-5 साल बीत जा रहा है, कोई भर्ती नहीं आ रही है, कोई में ढंग की भर्ती नहीं आया। बताइए कौन सी भर्ती आ रही है? मतलब लेखपाल के लिए चाहे UPSI के लिए आंखें तरस गई। लोग बार बार वही वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि वह खुद कहते हैं, कई लोग शेयर करते हैं कि मैं क्या मेरे जैसा भी कोई है कि मैं हर दिन 10 बार मैं सरकारी रिजल्ट चेक करता हूं या वेबसाइट चेक करता हूं गवर्नमेंट की कि अब भर्ती आ जाएगी लेखपाल की, अब आ जाएगा UPSI। मतलब एक छोटी सी भर्ती के लिए घिघियाना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, ट्विटर पर बार बार चिल्लाना पड़ रहा है, और असर कुछ नहीं पड़ रहा है। यह स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, यह जो 30 साल वाला नियम है, तो यह 30 साल वाला हर जगह नियम लागू करिए। यह खुद सोचिए, जब मतलब इतने जो भी मतलब नौकरशाह जो भी लोग हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं नौकरशाह हैं, चाहे अलग अलग विभागों के आयुक्त हों, चाहे मुख्य सचिव हों, वह सभी 60 से 65 साल के हैं। तो 60 से 65 साल में उनकी बुद्धि काम करती है, वह पूरी तरह से सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन जो 30 साल 32 साल का है, वह आपका परीक्षा नहीं दे सकता है, अब उसकी बुद्धि जवाब दे गई है। ऐसी भी बात तो नहीं है कि 30 साल 32 साल 34 साल 35 साल एक अलग विशेषाधिकार की बात कर रहा है। ऐसे आवे तो नहीं कह रहा कि भाई हमारा उम्र ज़्यादा है तो इसलिए हमको विशेष अधिकार दो, हमें कम में पास करो। उसी परीक्षा को वह पास करने की जुर्रत रखता है जिस परीक्षा को 24 साल 21 साल वाला पास कर रहा है, उसी कटाप पर, उसी अंक पर 32 साल वाला, 34 साल वाला, 35 साल वाला, 40 साल वाला पास करने की जुगत रखता है। उसके बावजूद भी अब यह कहा जा रहा है कि 30 साल के से ऊपर के लोग आवेदन ना करें। यह मैटर फंसा हुआ है, और यह हर स्थिति में फंसा हुआ है। और देखिए, यह जो 30 साल वाला मैटर है ना, यह अभी तो आया है, हो सकता है अभी इसे लागू ना किया जाए, लेकिन आगे लागू किया जा सकता है। तो भाई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा गवर्नमेंट जाना, हम लोग सरकारें चुनते हैं, अब सरकारें जो जिस प्रकार का नियम कानून बना देंगी, सबको फॉलो करना होगा। बस यही कुछ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कोई भी भर्ती है, अब तक कोई भर्ती आ नहीं रही है। तो यही स्थिति बना हुआ है। तो कुल मिलाकर झेलिए, क्या कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, तैयारी जारी रखिए, और लगातार अपना हम देखिए जो पब्लिक है क्या कर सकती है। पब्लिक सिर्फ विरोध कर सकती है, विरोध कर सकती है और शांति में प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अब उस पर भी रोक लगाया जा रहा है, शांति में प्रदर्शन करने के लिए लोग जब इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां पर भी 10-20 पुलिस वालों को खड़ा किया जा रहा है। तो यही स्थिति बना हुआ है, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन उम्मीद करेंगे, प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है कि यह सब सारी बातें झूठी निकले, और कहीं भी किसी भी स्तर पर यह न्याय संगत नहीं होगा कि 30 साल अधिकतम सीमा कर दिया जाए। मतलब 30 साल से ऊपर के लोग फार्म न भरें, यह अधिकतम सीमा कर दिया जाए। अगर इस तरह का 30 साल वाला बंदिश जब स्टूडेंट्स के साथ लगाया जा रहा है, तो हर जगह लगाना चाहिए। भाई, क्या कभी कोई कह पाएगा कि 60 साल के ऊपर के लोग चुनाव में लड़े हैं? 60 साल माने चलिए, 30 साल तो आपने स्टूडेंट्स के लिए कह दिया कि स्टूडेंट्स के लोग साथ 30 साल के ऊपर के जो लोग हैं वह आवेदन न करें सरकारी नौकरी के लिए। तो क्या 60 साल तक भी क्या नियम बन सकता है कि 60 साल के बाद लोग मतलब वह भी तो घर पर बैठ सकते हैं, वह भी तो उनसे भी कहां देश संभल पाएगा? अगर 30 साल से ऊपर का व्यक्ति सरकारी कार्यालय में काम करने की अगर उसकी हिम्मत नहीं है, तो फिर 60 साल से ऊपर के लोग कैसे, किस हद तक वह देश चला सकते हैं? तो नेता लोग क्या हैं, नेता लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ जा रही है, तैसे तैसे उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है, वह कार्य में क्रियाशील हो सकते हैं, वह कार्य अपना कर सकते हैं, वह कार्य में 100% अपना दे सकते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति
30 साल या 32 साल से ऊपर का हो रहा है तो वह कार्य में अपना कहीं भी सही प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, यह ऐसा नेताओं का कहना है। तो देखिए क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन अभी मैं बस यही चाहूँगा और बाकी लोग भी यही चाहते हैं कि यह सब सारी बातें झूठी निकलें और इस प्रकार का कोई अंकुश न लगाया जाए। कम से कम जिस तरह से जो भी नियम है 30 साल 40 साल जो भी नियम है, जिस विभाग में नियम है, अधिकतम सीमा बनाई गई है, चाहे पुलिस के लिए चाहे कहीं के लिए भी चाहे जो भी अधिकतम सीमा अलग अलग विभागों में कहीं 21 साल कहीं 22 साल कहीं 25 साल कहीं 30 साल कहीं 35 साल कहीं 40 साल कहीं 59 साल तक भी नियम बनाया है, तो जिस तरह से जो भी नियम बना है उसको पूर्ववतः जारी रखा जाए और किसी भी तरह का किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए। अगर परिवर्तन हो रहा है तो सकारात्मक परिवर्तन हर विभाग में हर तबके के लोग के साथ हो, हर तबका का मतलब आप समझ रहे हैं, हर तबका के साथ होना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ युवाओं के साथ ही सारे परिवर्तन क्यों होते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, देखिए अब मैं कितना सात्विक तरीके से अपनी बात रखा हूँ, हमें नहीं लग रहा कि कुछ हमने गलत बोला है और बस यही बातें हैं। हालांकि ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और बने रहिएगा। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यह 30 साल वाला जो नियम है 30 साल वाला नियम न रहे। और ये एक बात और, यहाँ पर यह बताया गया कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं अब वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर कोई बंदा एक जगह, मतलब क्या कहा जाए, मतलब एक खिलाड़ी है अगर जिला स्तर की प्रतियोगिता जीत लेता है तो अब उसे राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर में न भेजा जाए, यही ना नियम हुआ। सीधा सीधा क्या मतलब है, एक खिलाड़ी है जिसको जिला स्तर की प्रतियोगिता जीत लेता है या फिर राज्य स्तर की प्रतियोगिता जीत लेता है तो उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ ही भेजा जाएगा भाई, मत भेजा जाए, उसे देश का राज्य का जिला का नाम रोशन न करने दिया जाए, बद इसे लगाया जाए, यह स्थिति बनी हुई है। तो यह तो बेईमानी होगी, पूरी तरह से 100% बेईमानी होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी के स्तर की मान के चलें, क्या स्टूडेंट्स भी तो खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लगातार अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है, उसके प्रयासों को रोका जाए कि ठीक आप जीने खाने के लिए एक छोटी सी नौकरी पा गए हैं, चपरासी की नौकरी पा गए हैं, पुलिस की नौकरी पा गए हैं, तो पुलिस कप्तान बनने का हिम्मत आप मत पालिए, मत कोशिश करिए कि पुलिस कप्तान बन पाएंगे आप, कहें कि पुलिस की नौकरी पा गए हैं, एक थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में ही जीवन जिए आप, आगे बढ़ने का प्रयास मत करिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास मत करिए, यह कैसी बात है भाई, देश की समाज की सेवा करने का मतलब ऐसी भी बात तो नहीं है कि एक व्यक्ति चाहे एक सरकारी कर्मचारी चाहे कोई भी, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक नौकरी पा जा रहा है तो विशेषाधिकार की बात कर रहा है, फिर वह उसी परीक्षा में जाएगा जहां सभी लोग फ्रेशर लोग हैं, उसी अंक को अर्जित करेगा जो आयोग ने निर्धारित किया है, तो फिर इस प्रकार का पाबंदी क्यों, इस तरह की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए किसी भी विभाग के लिए या किसी भी वर्ग के लिए, नहीं लगनी चाहिए। अगर परिवर्तन हो रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, तो हर तबके के साथ होना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ISPCS पाठशाला के नाम से टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भी बहुत सारे मटेरियल बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम में मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।